तो आजम खान एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए आजम खान ने कहा कि सुरक्षा की अगर बात करें तो वो भगवान भरोसे है और हालात काबू से बाहर है। और उन्होंने ये भी कहा कि विशेष वर्ग के लोगों के साथ हिटलर जैसा व्यवहार हो रहा है और पता नहीं 2019 तक क्या होगा। हम आपको बता दें कि कल सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल उठे हैं, क्योंकि PE-10 मिला था विधानसभा में, उसी को लेकर तमाम अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी निशाना साध रही हैं बीजेपी सरकार पर। हालांकि सबने ये बात कबूल की है कि इस पर एक NIA की जांच होनी चाहिए।